नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को ऑनलाइन बापू यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो बनने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके लिए दो दो अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। सबसे पहले हम आपके लिए एक इनकम अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, जो कि आप पार्ट टाइम फुल टाइम करके लाखों करोड़ों में इनकम कर सकते हो। दूसरा, इस वीडियो में हम आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी रखे हैं, जो कि आपको वीडियो में कहीं भी मिल जाएगा, आपको हम कहीं भी डिक्लेयर करके आपको बता देंगे। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक पूरा जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है और इसलिए आपका सहयोग की भी ज़रूरत है। इसलिए आप एक लाइक करके आपका सहयोग हमें दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए और हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। अगर अभी तक ऑनलाइन बापू चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन बापू का फेसबुक पेज का लिंक भी अवेलेबल है, आप फेसबुक में जाके हमारा पेज को लाइक कीजिए। अब बात करते हैं इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में। वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं कौन सा इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं आज बताने जा रहा हूँ सिपीज बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इनकम प्लान के बारे में। कंपनी का नाम है सिपीज बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी 8 मई 2019 को शुरू हुआ है। कंपनी का हेड ऑफिस अलवर राजस्थान में है। कंपनी का सीएमडी का नाम है भवानी शंकर शर्मा। 11 साल MLM इंडस्ट्री में सक्सेसफुली काम करने के बाद CMD ने ये कंपनी को शुरू किया है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई इंसान 11 साल से सफल रूप से सक्सेसफुली काम कर रहा है तो फिर उनको कंपनी शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उनका तो इनकम अच्छा खासा चल रहा होगा। जी हाँ, ये सोच भी सही है, लेकिन 11 साल काम करने के अंदर उनको एक चीज़ तो ध्यान में आया कि सारे के सारे लोग MLM इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाते हैं। 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। उस सारे समस्या का कारण को उन्होंने ढूंढ निकाला और फिर उसका सलूशन के तौर पर उन्होंने ये कंपनी का शुरुआत किया। वैसे तो ये वीडियो इनकम प्लान के बारे में है, लेकिन इनकम प्लान बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसको सुनने के बाद आपको ये इनकम प्लान अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिए और अभी ध्यान से सुनिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि MLM इंडस्ट्री से सारे के सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं। सिर्फ 10% लोग ही सफल होते हैं, 90% लोग छोड़ देते हैं। ये जो 90% लोग छोड़ देते हैं वो क्यों छोड़ देते हैं, अगर ये आप समझ जाओगे उसका क्या सलूशन है वो समझ जाओगे तो आपको कंपनी का सीपीज बिजनेस सर्विसेज कंपनी का पूरा विजन आपको समझ में आ जाएगा। जो 90% लोग छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह में उनको कंपनी में प्रॉब्लम होता है, कई सारे जगह में इनकम प्लान में ही प्रॉब्लम है, कई सारे जगह में लीडरशिप में प्रॉब्लम है, कई सारे जगह में प्रोडक्ट्स का MRP और क्वालिटी को लेकर प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और भी बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाता क्योंकि ज्वाइनिंग का जो अमाउंट रहता है वो किसी को भारी पड़ता है, या फिर उनको टीम बनाने में मुश्किल होता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स पे ही प्रॉब्लम्स है, जो लोग फेल्योर होते हैं या फिर जो लोग आ नहीं पाते। अगर ये सारे के सारे प्रॉब्लम का सलूशन एक ही कंपनी में मिल जाए और ये जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे या फिर जिन लोगों का भी प्रॉब्लम के चलते इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं MLM में, तो वो लोग हर कोई सक्सेस हो जाएगा। तो हर कोई सक्सेस हो जाएगा तो कंपनी का जो विजन है वो साफ हो जाएगा और वो अच्छा हो जाएगा कि कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा हो जाएगा, तो कंपनी सही से चलने लगेगा, तो हर किसी का भी फायदा होगा, कंपनी का भी फायदा होगा, लीडर्स का भी, मेंबर्स का भी फायदा होगा। तो इसी विजन को लेके ही ये कंपनी शुरू हुआ है। ये कंपनी में कौन काम कर सकता है,
देखिए MLM इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग तो वैसे ही फ्री है, पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कुछ अमाउंट का प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट करना होता है। कंपनी में प्रोडक्ट तो बहुत सारे है, अभी 5-6 प्रोडक्ट है जो कि स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, और आगे भी बहुत सारे रिपर्चेजिंग प्लान में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो कि ऑलरेडी है, लेकिन वो आपको रिपर्चेजिंग प्लान में डिक्लेयर किया जाएगा। कौन ज्वाइन कर सकता है और कौन ये बिजनेस को कर सकता है या फिर करना चाहिए? स्टूडेंट्स, जिन लोगों को आगे चल के नौकरी ढूंढना है। नौकरी तो हर किसी को नहीं मिलता अपने मनपसंद का, इसमें बहुत सारे बेरोजगार भी होते हैं, चाहे नौकरी मिले या ना मिले, चाहे बेरोजगार हो चाहे रोजगार करने वाले हो, चाहे बिजनेस करने वाले हो, चाहे सरकारी नौकरी करने वाले हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करने वाले हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, उसको सीपीज में काम स्टार्ट कर देना चाहिए, MLM इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि काम स्टार्ट करोगे तो काम करते रहोगे तो आगे कभी ना कभी आगे बढ़ जाओगे, अगर काम कभी शुरू ही नहीं करोगे तो एंड तक कभी नहीं पहुंचोगे। इसलिए सीपीज में ज्वाइन करके काम स्टार्ट कर देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की। एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम MCA का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, GST नंबर होना जरूरी है जो भी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और पैन नंबर भी जरूरी है ये भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आगे भी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है तो कंपनी उसको तैयार भी कर लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम हो जाएगा। इसके अलावा और एक चीज़ की जरूरत होता है, प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें ज्वाइन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको मिनिमम 600 रुपये का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और 3 लोग डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा आपको इनकम लेने के लिए लाइफ टाइम। यहाँ पर कोई लेग मैचिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, चाहे आपका 1 लेग चले, 2 लेग चले, 3 लेग चले, या फिर कैसे भी करके हर लेग से थोड़ा थोड़ा काम होता रहे, आपका मिनिमम 500 रुपये का विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा तो आपको विड्रॉल मिल जाएगा ऑटोमेटिक, और ये भी वीकली। हर वीक का बिजनेस जो भी होगा आपको हिसाब मिल जाएगा। अगर ये कोई वीक में आपने 400 रुपये का बिजनेस किया, 500 नहीं हो पाए तो उसके आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन वो 400 आपका माइनस नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा अगले वीक को। अगले वीक में अगर 100 रुपये का ज़्यादा बिजनेस हो गया तो फिर 500 का प्लस जो भी है वो भी आपको 15% जो कि 10% एडमिन चार्जेस और 5% TDS है वो कट के बाकी अमाउंट आपका अकाउंट में आ जाएगा, और सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑटो विड्रॉल है, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना बीच में कोई भी आपका पैसा खा सकता है। ये सारे के सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस प्लान के बारे में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, जिस प्लान को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, समझने की खुद कोशिश कीजिए, और ज्वाइनिंग करने के बाद अपने जो इनवाइटी गेस्ट है उनको समझाइए, अपने जो लोग ज्वाइन कर चुके होंगे उनको भी समझाइए, उनको भी ट्रेन कीजिए इस वीडियो को दिखा के। इसलिए अभी आगे जो मैं बोलने वाला हूँ इनकम प्लान, उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ इनकम में आप यहाँ से 6 प्रकार के इनकम ले सकते हैं, ऑटो लेवल इनकम, रिवॉर्ड इनकम, रॉयल्टी इनकम, सिंगल लेग इनकम। ये 4 इनकम अभी स्टार्टिंग में ले सकते हैं, बाकी बहुत जल्द कमिंग सून में 2 इनकम है, रिपर्चेज इनकम और सर्विस ऐप इनकम। इसके अलावा भी बहुत सारे इनकम के प्लानिंग किया जा रहा है बैक साइड में। ये 6 प्रकार इनकम सक्सेसफुली रन हो जाने के बाद बाकी सारे जो इनकम प्लान प्लानिंग में है वो भी ऐड कर दिया जाएगा। अभी आप स्क्रीन को ध्यान से देखिए और मेरे बात को ध्यान से सुनिए, मैं अभी ऑटो लेवल इनकम को डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये डिटेल में समझने के बाद आप पूरा प्लान को समझ जाएंगे। अभी देखिए ऑटो लेवल इनकम में यहाँ पर आपको 16 लेवल तक का इनकम मिलता है। पहला, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको जो इमेज दिख रहा है उसमें कुछ कॉलम दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। पहला है लेबल, दूसरा मेंबर, तीसरा इनकम पर इंडिविजुअल, चौथा लेबल इनकम, लास्ट में टोटल इनकम। लेबल में टोटल लेबल वाइज मैं आपको समझाता हूँ। लेबल 1 में, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि 3 मेंबर जोड़ना डायरेक्ट देना कंपलसरी है, इसलिए 3-3 के हिसाब से समझाया गया है। आपका अगर टीम इससे भी ज़्यादा डायरेक्ट जोड़ सकते हैं तो उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा, लेकिन मिनिमम 3 के हिसाब से हम यहाँ पर समझाते हैं। लेवल 1 में आपको 3 लोग जोड़ते हैं तो लेवल 1 से आपको पर पर्सन 70 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, यानी कि तीनों से 210 रुपीज़ मिलेगा, टोटल भी 210 रुपीज़ होता है।
उसके बाद लेवल टू से वो तीन लोग अगर हर कोई तीन तीन जोड़ता है तो नौ लोग होते हैं, या फिर 3 × 3 नौ लोग होते हैं, और पर पर्सन यहाँ पर आपको 40 रुपये लेवल टू से 40 रुपये के हिसाब से मिलता है। इसी हिसाब से आपको सेकेंड लेवल से 360 रुपये और टोटल लेवल वन और टू को मिला के 570 रुपये मिलता है। लेवल थ्री से आपको 27 लोग जुड़ जाने के बाद लेवल थ्री में आपको पर पर्सन 38 रुपीज़ मिलता है। लेवल थ्री से आपको इनकम 1026 रुपये और टोटल इनकम आपको 1596 रुपीज़ मिलता है। लेवल फोर से 81 लोग हो जाने के बाद आपको पर पर्सन इनकम लेवल फोर से 38 रुपीज़ और लेवल फोर का इनकम 3078 रुपीज़ और टोटल इनकम 4674 रुपीज़ होता है। वैसे मैं आपको पूरा 16 लेवल तक समझाने वाला हूँ। फिर आता है लेवल फिफ्थ में, आपको लेवल फिफ्थ में जब 243 का मेंबर हो जाते हैं आपका पर पर्सन यहाँ पर लेवल फाइव से 35 रुपीज़ के हिसाब से मिलता है और लेवल फाइव का इनकम हो जाता है 8505 रुपीज़ और टोटल लेवल वन से फाइव तक अब तक का इनकम आपका हो जाता है 13179 रुपीज़। वैसे लेवल सिक्स से जब आपको 729 का मेंबर हो जाते हैं पर पर्सन या फिर पर मेंबर आपको यहाँ पर 25 रुपये मिलता है, यानी कि लेवल सिक्स से खाली आपको 18225 रुपीज़ का इनकम हो जाता है और टोटल वन से लेकर सिक्स लेवल तक 31404 रुपीज़ का इनकम आपको मिल जाता है। वैसे लेवल सेवन से जब आपको 2187 मेंबर हो जाते हैं और यहाँ पर पर्सन सेवेंथ लेवल से आपको 21 रुपीज़ के हिसाब से मिलता है तो आपको लेवल सेवन का इनकम हो जाता है 45927 और आपका वन से लेके सेवेंथ लेवल तक का टोटल इनकम हो जाता है 77331। फिर लेवल एट में जब आपका 6561 मेंबर हो जाते हैं तो यहाँ पर लेवल एट का इनकम होता है पर मेंबर 20 रुपीज़। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको खाली लेवल एट का इनकम होता है 1,31,220 रुपीज़ और आपका टोटल लेवल वन से लेवल एट तक का इनकम होता है 2,08,551 रुपीज़। वैसे आगे बढ़ते हैं नाइन्थ लेवल का। नाइन्थ लेवल में जब आपको 19,683 मेंबर हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर लेवल नाइन से पर पर्सन या पर मेंबर आपको 17 रुपीज़ यानी 17 रुपीज़ मिलता है और नाइन लेवल का इनकम आपका हो जाता है 3,34,611 रुपीज़ और लेवल वन से लेकर लेवल नाइन तक का इनकम हो जाता है 5,43,162 रुपीज़। वैसे लेवल टेन में जब आपका 59,049 मेंबर हो जाते हैं तो यहाँ पर लेवल इनकम पर पर्सन मिलता है 16 रुपीज़ और लेवल टेन का इनकम खाली होता है 9,44,784 रुपीज़ और टोटल इनकम लेवल वन से लेकर लेवल टेन तक 14,87,946 रुपीज़ हो जाता है। वैसे आगे देखते हैं लेवल 11 में जब 1,77,147 मेंबर हो जाते हैं यहाँ पर आपको पर मेंबर 15 रुपीज़ यानी कि 15 रुपीज़ मिलता है और लेवल 11 का खाली इनकम हो जाता है 26,57,205 रुपीज़ और टोटल लेवल 1 से लेवल 11 तक का इनकम आपका हो जाता है 41,45,151। वैसे लेवल 12th यानी लेवल 12 का, लेवल 12 में जब आपका 5,31,441 मेंबर हो जाते हैं आपका इनकम हो जाता है यहाँ पर 79,71,615 और आपका टोटल इनकम यहाँ पर अब तक का हो जाता है 1,21,16,766 और इस लेवल में पर पर्सन आपको 15 रुपीज़ के हिसाब से मिलता है। वैसे लेवल 13 और लेवल 14 और लेवल 15 ये लेवल में भी आपको पर पर्सन हर लेवल से 15 रुपीज़ के यानी 15 रुपीज़ के हिसाब से मिलता है। अब देखते हैं लेवल 13 का। लेवल 13 में जब 15,94,323 मेंबर हो जाते हैं और यहाँ पर पर पर्सन आपको 15 रुपीज़ यानी 15 रुपीज़ के हिसाब से मिलता है
और 13 लेवल का इनकम हो जाता है 2,39,14,845 रुपीज़। और लेवल 1 से लेकर लेवल 13 तक का टोटल इनकम होता है 3,60,31,611 रुपीज़। अब चलते हैं लेवल 14 को। लेवल 14 में जब 47,82,969 मेंबर हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको पर पर्सन 15 रुपीज के हिसाब से मिलता है। और लेवल 14 का इनकम हो जाता है 7,10,44,535 रुपीज़। और लेवल 1 से लेकर लेवल 14 तक का इनकम हो जाता है 10,77,76,146 रुपीज। अब आगे चलते हैं लेवल 15 के तरफ से। लेवल 15 में क्या होता है, लेवल 15 में आपको जब हो जाता है टीम में 1,43,48,907 मेंबर्स, तब आपको यहाँ पर पर्सन भी 15 रुपीज के हिसाब से मिलता है। और लेवल 15 का खाली इनकम होता है 21,52,33,605 रुपीज। और लेवल 1 से लेकर लेवल 15 तक का इनकम हो जाता है 32,30,09,751 रुपीज। अब हम बात करते हैं लेवल 16 यानी लास्ट लेवल के बारे में। जब लेवल 16 में 4,30,46,721 लोग हो जाते हैं, इस लेवल से आपको पर पर्सन 16 रुपीज के हिसाब से मिलता है। और सिर्फ लेवल 16 का इनकम हो जाता है 68,87,47,536। और लेवल 1 से लेके लेवल 16 तक का टोटल इनकम हो जाता है यहाँ पर 101,17,57,287 रुपीज। यानी कि टोटल लेवल 1 से लेवल 16 तक अगर तीन तीन के हिसाब से जॉइनिंग होता है तो भी आप 101 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम कर सकते हो। और ये इनकम आपको 10% एडमिन चार्ज और 5% TDS कट के बाकी का अमाउंट आपको मिलता रहेगा हर वीक, जब आपका हर वीक 500 के ऊपर विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया टोटल आपका ऑटो लेवल इनकम का प्लान। अगर इस प्लान को आपको समझ में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे रॉयल्टी इनकम के बारे में, जो कि 1% से लेकर 5% तक का ही मिलता है। यहाँ से आप रॉयल्टी 5% तक ले सकते हो। रॉयल्टी का मतलब ये हो जाता है पेंशन, यानी कि अगर आप एक लिमिटेड टारगेट अचीव करने के बाद आप उसके बाद आप या आपकी टीम काम करे या ना करे, आप कंपनी का मंथली टर्नओवर से आपको जो भी कमीशन यहाँ पर बताया गया होगा पहले या फिर कंपनी की तरफ से जो भी डिक्लेयर किया गया है या फिर जब भी हम बताएंगे, उसी हिसाब से आपको हर महीने रॉयल्टी मिलता रहेगा आपका टीम काम करे या ना करे। रॉयल्टी कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आप 20 डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे देने पर आपको 1% का रॉयल्टी हर महीने मिलता रहेगा। जब आप 40 डायरेक्ट दे देते यानी 40 डायरेक्ट दे देते और 1% यानी कि 2% का रॉयल्टी आपको मिलता रहेगा। जब आप 60 लोग डायरेक्ट ज्वाइन करवा देते हो तो आपको और 1% ऐड हो जाता है, यानी कि 3% आपको रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप 80 डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे देते हो तो आपको और 1% यानी कि 4% का रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप 100 डायरेक्ट लोग जोड़ देते हो कंपनी में आपके नीचे तो आपको 5% का रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगा। और ये रॉयल्टी मिलना एक बार शुरू हो जाएगा तो आपको हर महीने कंपनी का टोटल टर्नओवर से मिलता रहेगा। जितने भी लोग क्वालिफाई किए होंगे कंपनी का टोटल टर्नओवर का 1 से लेकर 5% तक का कैलकुलेशन निकाला जाएगा और सब लोग में जिसका जो भी हिसाब है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये था रॉयल्टी। आगे हम बात करते हैं रिवार्ड इनकम के बारे में। जैसे कि आपने ऑटो लेवल इनकम में इनकम किया, वैसे ही तीन तीन के हिसाब से अगर आप टीम बनाना शुरू करते हैं और टीम उसी हिसाब से चलता है तो आपको लेवल 3 से रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। 500 रुपीज़ से लेके 1 करोड़ तक का रॉयल्टी यहाँ से ले सकते हो। मैं आपको सिस्टमेटिक लेवल 3 से लेकर लेवल 16 तक का जो रिवार्ड इनकम है मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, कौन सा लेवल से कितने लोग होने के बाद आपको कितने अमाउंट का रिवार्ड मिलने वाला है। जब लेवल 3 में 27 लोग हो जाते हैं आपके नीचे, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो आपको 500 रुपीज़ का रिवार्ड मिलेगा। जब लेवल 4 में 81 लोग हो जाते हैं तो आपको 1100 का रिवार्ड मिलेगा। जब आपको लेवल 5 में 243 मेंबर हो जाते हैं तो आपको 2100 का रिवार्ड मिलेगा। जब लेवल 6 में 729 लोग हो जाते हैं तो आपको 3100 का रिवार्ड मिलेगा।
जब लेवल 7 में 2187 लोग हो जाते हैं तो आपको रिवार्ड के तौर पर 5100 रुपीस मिलेगा। जब लेवल 8 में 6561 लोग हो जाते हैं तो आपको 11000 का रिवार्ड मिलेगा। जब लेवल 9 में 19683 लोग हो जाते हैं तो आपको 21000 का रिवार्ड मिलेगा। जब लेवल 10 में 59049 लोग हो जाते हैं तो आपको 31000 का रिवार्ड मिलेगा। जब लेवल 11 में 177147 लोग हो जाते हैं तो आपको 51000 का रिवार्ड मिलने वाला है। जब लेवल 12 में जब 531441 मेंबर हो जाते हैं तो आपको 100000 का रिवार्ड यहां से मिलेगा। जब लेवल 13 में 1594323 मेंबर्स हो जाते हैं तो आपको 200000 का रिवार्ड मिलेगा। जब लेवल 14 में 47,82,969 लोग हो जाते हैं तो आपको यहां से 11000000 का रॉयल्टी मिलेगा। जब लेवल 15 में 1,43,48,907 मेंबर्स हो जाएंगे तब आपको 21000000 का रिवार्ड मिलेगा। अब लेवल 16 यानी कि लास्ट रिवार्ड है, जब आपके टीम में 4,30,46,721 लोग हो जाते हैं तब यहां पर आपको 1,00,000 का रिवार्ड मिलेगा। यानी कि इस लेवल में तीन तीन के हिसाब से पहुंचने के बाद आपको 101,17,57,287 का जो इनकम तो है ही ऑटो लेवल का इनकम, फिर उसके साथ 1,00,000 का रिवार्ड भी आपको इसमें ऐड हो जाएगा। ये था रिवार्ड इनकम। इसके बाद मैं बताता हूँ सिंगल लेग में आप कैसे इसमें इनकम कर सकते हो। जैसे बाइनरी में लेग मैचिंग होता है, या फिर जनरेशन में डिफरेंस इनकम, एक्सक्लूसिव पीपी, 2, 4, 5 लेग मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको 3 लोग डायरेक्ट जोड़ना है, वो 3 लोगों को लेकर आप 3 लाइन निकाल सकते हो, 3 लेग निकाल सकते हो, या फिर तीनों को एक के नीचे एक रख के आप सिर्फ एक लेग बना के भी काम कर सकते हो। लेकिन आपको सिंगल लेग में कैसे काम करना है, आपको मिनिमम 500 रुपीज़ का जब विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा तो आपको विड्रॉल मिल जाएगा। चाहे आपका एक ही लेग से पैसा निकले, टोटल बन के निकले, या फिर हर लेग से थोड़ा थोड़ा मिला के आपका टोटल इनकम 500 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लेग मैचिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लेग अगर आपका काम करे। सपोज आपने 3 लेग बनाया है, 2 लेग सही से काम नहीं कर रहा है लेकिन एक लेग बढ़ता जा रहा है और उसमें से आपको 500 का अमाउंट बन रहा है हर हफ्ते या जो कोई भी हफ्ता बन रहा है तो भी आपको अमाउंट मिल जाएगा, लेग मैचिंग की जरूरत नहीं। इसलिए ये प्लान हर किसी के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें सिंगल लेग का जो फैसिलिटी ऐड किया गया है ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। उसके बाद जो कमिंग सून में है रीपर्चेज इनकम। रीपर्चेज इनकम में आप घर में जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान सब यूज होता है वो सब ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी बैक साइड में इसका प्लानिंग करके रखा गया है, थोड़े दिन के बाद इसको ऐड कर दिया जाएगा। आप हर प्रोडक्ट यहीं से ले सकते हो, हर आप अपने मनपसंद का प्राइस भी होगा और प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा होगा और उसमें से आपको मनपसंद का कमीशन भी मिलेगा। उसके बाद है कमिंग सून में सर्विस ऐप। सर्विस ऐप में आपको मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, ऐसे बहुत सारे बिल पेमेंट ही कर सकते हो, रिचार्ज वगैरह, हर कुछ जो भी ऑनलाइन सर्विसेज होता है, सर्विसेज में जो भी चीज़ होता है आजकल के ज़माने में, सब कुछ सर्विस ऐप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये था टोटल कंपनी का इनकम का स्ट्रक्चर। उसके बाद मैंने आपको बताया था गिफ्ट। जो गिफ्ट मैंने बताया था वो गिफ्ट अभी भी सरप्राइज है। जब आप ज्वाइन कर जाओगे कंपनी में और काम करने लगोगे जो तो टीम में जो भी हम जो आपको रिवार्ड वगैरह है उसके अलावा भी गिफ्ट हमको आपको टीम के तरफ से हम आपको देंगे, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको प्लान को अच्छे से समझिए और हमारे प्लान में ज्वाइन कीजिए और हमारे टीम के साथ मिलके काम कीजिए, जो भी डाउट्स है सीनियर से मिलके बात कीजिए। क्योंकि और एक बात, ट्रेनिंग यहाँ पर आपको सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा और ख़ास करके इसी चैनल पर मिलेगा, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा के रखिए और इसमें जो भी वीडियो आता है एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए और ये प्लान को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए